वाली। इसमें के तुरंत बाद अड़तारा छत्तीसगढ़ और से पेपर आ गई, काफी अच्छा शुरुआत। आप लोग इधर उधर ध्यान न दें, इस मैच को देखिए कबड्डी क्या होता है, कैसे होता है। इस मैच को देखिए, निश्चित ही मजा आएगा। और दर्शकों से चाहूंगा इन छत्तीसगढ़ के प्लेयरों के लिए जो तालियों से स्वागत होते रहना चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश में अगर जो अपना प्लेइंग अपने खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं जानकारी देना चाहूंगा एक टीम लगभग 250 किलोमीटर दूर का। सही मायने में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की ही
प्रदर्शन कराई है, काफी अच्छा पॉइंट कैसे और कहां से लेना है ये प्रो कबड्डी का देखिए। आप कभी जो टीवी में देख रहे होंगे, हमें आज प्रत्यक्ष दर्शन लाभ हो रहे हैं प्रो कबड्डी। काफी अच्छा प्रदर्शन बिलासपुर अकेडमी कोई भी बोलती, काफी अच्छा प्रदर्शन छत्तीसगढ़ की टीम दोनों ही टीम तंदुरुस्त। और यहाँ पर देख रहे होंगे क्या होता है, और अब दोनों ही तबाही है, जोरदार तालियों से स्वागत इस फाइटर के लिए। रेड और काफी जाने का प्रयास लेकिन असफल बिलासपुर पर, वहीं पर जवाब के लिए तैयार फोर्थ एकेडमी गोइंग्री छत्तीसगढ़। देखना होगा अपनी अपनी टीम के लिए क्या करते हैं दोनों ही टीम के कप्तान, और सबों के लिए घेरा में लिया है जोरदार तालियों से स्वागत डिफेंडर के लिए। और वहीं पर फोर्थ एकेडमी गोइंग्री चार बिलासपुर कैपिटल ट्रेवल्स पर, काफी अच्छा प्रदर्शन दोनों ही छत्तीसगढ़ की टीमों का। बिलासपुर पार्क गोंदरी फोर्थ एकेडमी चार दावा ठोकते हुए देखना होगा, कोई नुकसान नहीं कोई पॉइंट नहीं, काफी अच्छा बाहर से कोई कमेंट कर रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो भी टूटी फूटी बन पड़ रहा है हम यहाँ से प्रयास कर रहे हैं आपसे ताली बजाए, कबड्डी प्रो कबड्डी का दर्शन लाभ करें, जोरदार मजा आएगा। इतना अच्छा टूर्नामेंट, इतनी अच्छी टीम जो दोनों ही छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है, मैं पूरा जानकारी देना चाहूंगा। कभी हमारी समिति कभी सोची भी नहीं थी कि इतना काम कर पाएंगे और इतना अच्छा प्रोग्राम हो सकेगा। जोरदार स्वागत मेहमान टीम छत्तीसगढ़ टीम के लिए, और काफी अच्छा प्रदर्शन बिलासपुर छत्तीसगढ़ जो पांच अंक बनाकर मैदान में है। और वहीं पर फोर्थ एकेडमी गोइंग्री छत्तीसगढ़ चार पॉइंट। लेकिन असफल
बिलासपुर एक पॉइंट और बिलासपुर साहब पोइट्री काफी शांत वातावरण से बिलासपुर रैलिंग करते हुए और यहां पर एक माइंड सेट का गेम है काफी अच्छा प्रदर्शन दोनों टीम के द्वारा और बार बार टाइम आउट लेते हुए घूमने वाली टीमें हैं देखने को मिल रहा है कि हर एक में जो है गेम प्लानिंग की जा रही है दोनों टीमों के द्वारा हर एक रेड जो है हर एक चाल जो है एकदम सोच समझ कर और गेम प्लानिंग के तहत किया जा रहा है लागू होता है या तो आप पॉइंट लेके जाए या फिर आपका पॉइंट गवाए काफी अच्छा प्रदर्शन यहाँ पर देखना होगा काफी तेजी से चल रहा है मैच तो बार बार मोटर लगी हो मार रहा है इस प्रकार से राइडर आउट काफी तेजी से अरे ताली बजाए यार जोरदार एक अंक से खेलते हुए इस समय दोनों टीम एक एक अंक की लड़ाई काफी देर बनाते हुए एक दूसरे जब ये बड़ी टीमें खेलती है तो ऐसा ही कुछ अनोखा गेम देखने को मिलता है ये टीमें हवा के नहीं खेल रही है एक प्राणी के साथ खेल रही है एक प्राणी के साथ ये रेड के लिए आती है और एक प्राणी के साथ इस रेडर को लेना है कहां से पॉइंट लेना है भली भांति जानती है टीमें बिलासपुर साथ कोई भी है यही तो मनी ओवर की खिलाड़ी की निशानी है एक अच्छे टीम की निशानी है कि आप कितने अच्छे तरीके से आप अपने प्लान को फॉलो करते हैं और सामने वाली टीम को के अनुसार खेलने पर मजबूर करते हैं यही आपकी अच्छी निशानी है कि आप सामने वाली टीम को एक दबाव में ला सकते हैं संकेत यहाँ पर रहने के लिए खतरा और बिलासपुर आठ फोर्स अकेडमी पॉइंट्री छह निश्चित ही बिलासपुर रेड मूड में रेड कर रही है और वहीं पर फोर्स अकेडमी पॉइंट्री उगता सूरज पॉइंट्री पिछले मैच में मैंने कमेंट्री में अपने ही शब्दों में अपने ही कमेंट में ये कहा हुआ था आपका जो नाम है आपकी टीम का जो नाम था तो वो प्लानिंग जो प्लान आप कर रहे हैं उसको आप अच्छे तरीके से अगर फॉलो करते हैं तभी फायदा है नहीं तो प्लानिंग करोगे और प्लानिंग करोगे तो सही बात है दुबे जी थर्ड रेड देखना होगा फिर रेडर के लिए खतरा मंडराता हुआ और यहीं पर देखने क्या होता है रेडर आउट सबोच लिए हैं निश्चित दुर्वे जी ये अपने प्लानिंग में कामयाबी होते हैं ये देखने को भी मिल रहा है कोई भी खो सके साथ बिलासपुर आठ निश्चित रूप से दोनों टीमें काफी मजबूत और बड़ी टीमें हैं छत्तीसगढ़ से चलकर आई हैं तो इसलिए कमजोर टीमें ये नहीं है ज्यादा धर्म कोई होगा छत्तीसगढ़िया बाबू कामी टीम तैयार रहेंगे आसारा छत्तीसगढ़ वर्षे टीम आ रही है एक नाना भूल रहे कबड्डी 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 अब माइंड गेम चालू हो गया है और ये काफी समय पहले से चालू हो गया था जिस तरह से अब सिर्फ एक मिनट से 20 अंक का समय बाकी रह गया है लगभग सही समय अगर लेंगे रेडम तो दो रेड हो सकते हैं और क्या होगा क्या होता है बिलासपुर नौ तीन अंकों के लिए इस समय बिलासपुर पर अगर कोई गलती नहीं करती है बिलासपुर की टीम तो
लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट बाउंड्री फोर्स अकेडमी ट्रांसपोर्ट इस रैडर को यदि लेते हैं या फिर जल्दी से एक पॉइंट लाते हैं तो भी दिक्कत है। देखना होगा दोनों टीमों के खिलाड़ी अलग हो जाए निर्णायक है। माइनल और बहुत बहुत धन्यवाद काफी अच्छा अंपायर है हमारे संतोष यादव और अमन यादव ग्रीन कार्ड मिलता हुआ एकदम ग्रामपुर टीम को एक चेतावनी है उनके लिए लास्ट मैच चलता हुआ देखना होगा क्या होता है। यहाँ पर दर्शकों को काफी आनंदित करते हुए यह मैच और एक अंक के साथ गोलंदाज अपना खाता खोलते हुए देखना होगा बिलासपुर के रेडर क्या करता है। और अच्छा टैकल एंकर होल्ड अच्छा एंकर होल्ड यहाँ पर गोलंदाज की तरफ से निश्चित रूप से दो अंक अब गोलंदाज का एम्पायर का इशारा बिलासपुर एक गेम प्लान देखना होगा दो दो पॉइंट दो पॉइंट बिलासपुर के लिए एक बार दो तालियों से स्वागत। इतनी विषम परिस्थिति में यदि पॉइंट लेकर आते हैं तो निश्चित ही टीम में दम है जान है शान है। काफी अच्छा प्रदर्शन और सारे दर्शक एक बार और फ्री ऑल ईमानदारी से बताने के लिए फिर गेम खेलने जा रहा है फ्री ऑल और प्लेयर भी काफी अच्छा प्लेइंग का प्रदर्शन कर रहे हैं। दो बातों से स्वागत चाहूंगा मैं सारे दर्शकों से मेरा अपील है एक बार इस टीम के लिए इन दोनों टीमों के लिए दो बातों से स्वागत देखना होगा। यहाँ पर उठाकर बचना है फोर्थ अकेडमी लीजिए इस ब्रेक के बाद पूरा दोनों ही टीम देखना होगा क्या होता है और दो तालियों से स्वागत करने के लिए काफी अच्छा और गोइंग्री सात बिलासपुर तीन काफी अच्छा। ये देखिएगा गेम ऐसा भी होता है गेम ऐसा भी होता है और लास्ट में काफी बढ़िया प्रदर्शन यहां देखने को मिला लेकिन मैं पुनः आगामी टीम के टीम कप्तानों से निवेदन चाहूंगा अति शीघ्र ये देखिए ऐसा भी होता है गेम अकेले पॉइंट लेने लेने के चक्कर में ये प्रो कबड्डी का गेम है एक पॉइंट का दिया है।